मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक रिस्प्रंग डिजीज, जो कि एक कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, जिसका दूसरा नाम होता है गैंग्लियोनोसिस या गैंग्लियोनिक मेगागोलन। इंट्रोडक्शंस। रिस्प्रंग डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट्स। रिस्प्रंग डिजीज इज एंग्लियोनिक मेगागोलन इज ए कॉन्जेनिटल एनोमली कॉज बाय माइग्रेटरी फेलियर ऑफ न्यूरॉन्स creates as leading to abnormal innervations of bowel. The defect begin to internal anal sphincter and extend proximally or a very length of gut. Hirschsprung disease या agnosis या agnonic megacolon एक congenitally absence of ganglion cells nerve cells के कारण होता है, जिसमें muscular layer जो होती है of intestinal layer यानी colon की, वह response होती है movement के लिए, यानी जो गैंग्लियन सेल्स है वेर रेस्पॉन्स होती है इंटेस्टाइन कोलन के जो मूवमेंट होता है ना उसके लिए, और इसको मेगाकोलन के नाम से भी जाना जाता है। मेगाकोलन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो फिगल मैटर होता है वह गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल, जैसे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ नर्व सेल का, जो पेरिफेरल मूवमेंट नहीं होते, इसके कारण से क्या होता है, जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन के, जिसके कारण से फिकल मैटर कोलन में इकट्ठा होता रहता है, और इसके कारण से ये मेगाकोलन कंडीशन डेवलप होती है। ये मोस्ट कॉमन होता है रेक्टोसिग्मोइड कोलन के इफेक्ट, जो पार्ट होता है उसको इफेक्ट करता है। क्लियर ऑफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ हिर्शप्रंग डिजीज। डेफिनेशन, हिर्शप्रंग डिजीज इज ए डिसऑर्डर ऑफ द गट कॉज्ड ड्यू टू कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द सब मुकेजल एंड मैसेटरिंग प्लेक्सेस ऑफ इंटेस्टाइन। इट इज आज नाउ इज मेगाकोलन और कॉन्जेनेटल एग्नियोनिक मेगाकोलन, यानी जिसने बताया मैंने आपको कि हिर्शप्रंग डिजीज के अंदर क्या होता है, जो गैंग्लियन सेल्स की कमी होती है, जिसके कारण से इंटेस्टाइन जो मूवमेंट होता है वह नहीं होता है। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, जिसके कारण से जो फिकल मैटर होते हैं वो कोलन में इकट्ठा होते रहते हैं और मेगाकोलन वाली कंडीशन डेवलप होती है। इंसिडेंट्स एंड इटियोलॉजी। इंसिडेंट्स एंड इटियोलॉजी, फर्स्ट है कि इंसिडेंट्स 1 to 5 लाइव बर्थ, इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स दैन फीमेल्स। थ्रोड रिसर्च सजेस्ट दैट इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोटीन्स इनकोडेड बाय टू जीनसेस, जैसे कि क्रोमोजोमल्स में ये जो रीजन होता है इसका मेन, दूसरा रीजन जो होता है मेटर्नल इन्फेक्शन जैसे होता है, या क्रोमोजोमल 13 भी इसका एक रीजन माना जाता है। दैन इसमें जैसे कुछ मेडिकल्स होती है, जैसे टेरेटोजेनेसिटी ड्रग्स होती है जो इफेक्ट करती है मोस्ट, जैसे कि उसमें है थैलोनोमाइड एंड वेलपोराइड एसिड, जो कि हिर्शप्रंग डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ हिर्शप्रंग डिजीज। टाइप में फर्स्ट टाइप है, दिस टाइप इज द कॉमन नेक्स्ट वन। इटियोलॉजी ऑफ डिजीज इज द स्टिल अननोन, बट जेनेटिक फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड। 10% केसेज आर फीमेल हिस्ट्री, स्पेशली दोज ही लॉन्ग सेगमेंट डिजीज। एक्वाड में क्या है, डिजेनरेशन ऑफ द गैंग्लियंस में भी अकर ड्यू टू वेस्कुलर डिजेज डाइड एंड पल्थ्रो प्रोसीजर ड्यू टू पुल थ्रो, जो कि आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्या प्रोसीजर होता है, ड्यू टू इसीमिया एंड टेंशन, नॉन वेस्कुलर कॉजेज ट्रेकिफिनोसोमा, स्टेगॉइड डिजीज, विटामिन B1 डेफिशिएंसी एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड मेटल इन्फेक्शन सभी कॉज के लिए टाइप्स में डिपेंड होता है हिर्शप्रंग डिजीज में। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें साइन सिम्टम ऑफ हिर्शप्रंग डिजीज। साइन सिम्टम पहले हम पैथोलॉजी देखते हैं हिर्शप्रंग डिजीज की। पैथोलॉजी में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि गैंग्लियन सेल्स की कमी के कारण दिस इज लैक ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन द इफेक्ट पोर्शंस, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होंगे तो इंटेस्टाइन में, जिसके कारण से जो फिकल मैटर है वह कोलन में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण कंडीशन जो डेवलप होगी वो होगी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ कोलन। एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस फीसेस प्रोक्सिमल द डिफेक्ट एंड एनलार्जमेंट ऑफ द कोलन एक्ट्स कॉल्ड इज मेगाकोलन, यानी सारा फिकल मैटर इकट्ठा हो गया दिस इज कॉल्ड इज मेगाकोलन। नेक्स्ट लेते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हिर्शप्रंग डिजीज। फर्स्ट न्यूनेटल के जो न्यूनेटल है उनमें जो सिम्टम होते हैं क्या क्या होते हैं, पहला होता है फेलियर ऑफ पास मिकोनियम, यानी जो मिकोनियम है वह 48 आवर्स तक पास नहीं करे तो कंडीशन हम सिम्टम के तौर पे मान सकते हैं कि हिर्शप्रंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई,
क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ये कंडीशन डेवलप होगी। बाइल स्टेन, वोमिटिंग, शॉक, एपिसोड डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ में जैसे न्यू बोर्ड में है कि बाइल स्टेन वोमिटिंग एंड रिफ्यूज द सक, एपिसोड ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन कंडीशन डेवलप होती है। अब है इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या होगा, वेट कम हो जाएगा, फेलियर ऑफ वेट कम, बाइल स्टेन वोमिटिंग, देन कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वैन स्टूल पासेज, होल स्मेलिंग एंड लिक्विड कंसिस्टेंसी, मालनरिशन, एनीमिक, रिबेन लाइक स्टूल्स या कॉन्स्टिपेशन जैसे बोलते हैं। अब लेते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन ऑफ, सबसे पहले जो इंस्पेक्ट डिजीज में हम बायोप्सी लेते हैं, अगर रेक्टल एमजेंशन, पल्पेशन, एनोरेक्टल मेनोमेट्री, बेरियम एनिमा एंड रेक्टल बायोप्सी, सबसे पहले जो इंस्पेक्ट डिजीज में ये होता है कि हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी के अगर बायोप्सी में वो पार्ट लेते हैं कॉलम से जिसमें एब्सेंस होती है गैंग्लियन सेल्स की, अब जैक सेंड इसमें सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, यूएसजी या बेरियम एनिमा, बेरियम एनिमा देन डायग्नोस करता है कि कहाँ पे जो है हिंसफ्रंट डिजीज कंडीशन है। तो ये जो है डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन है जिसमें पहला है हिंसफ्रंट डिजीज बी स्पेक्ट्रम बेबी हो टू नॉट पास मिकोनियम विद इन 48 बर्थ, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्पेशन करते हैं, एनोरेक्टल मेनोमेट्री करते हैं, बेरियम एनिमा एंड रेक्टल बाइप्स लेते हैं। मैनेजमेंट, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, एडमिशन ऑफ आइसोटोनिक एनिमा, एसोटोनिक एनिमा देते हैं, एडमिशन ऑफ स्टूल सॉफ्टनेस एंड लो रेसिड्यू डाइट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जिकल इन्वॉल्व टू स्टेप, टेम्परेरी कोलोस्टोमी करते हैं जिसके कारण से फिकल मैटर के लिए अलग से रास्ता बनाते हैं ताकि जो रेक्टल वाली जो वेव है वह क्लियर हो सके कुछ दिनों के लिए, कोलोस्टोमी, टेम्परेरी कोलोस्टोमी, फिर बाद में हम डेफिनेटिव सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं फुल थ्रो। अबाउट द डीज ऑफ सर्जरी इन कोलोस्टोमी इज क्लोज्ड, सेवेंसोन ऑपरेशन या फुल थ्रो प्रोसीजर बोल लो और या सोवी प्रोसीजर, ये जो है सेवेंसोन डुवेल प्रोसीजर एंड सोवे जिस डायग्राम में दिखाया गया है। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो इफेक्ट पार्ट होता है इन कोलन का जिसपे इंस्पेक्ट वाली डिजीज कंडीशन डेवलप होती है, जिसमें उसको क्या करते हैं, जो उस पार्ट को हम रिमूव करते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है उसको एनएस से कनेक्ट कर देते हैं। इस कंडीशन को या इस सर्जरी को बोलते हैं सेवेलेंस या डुवेल प्रोसीजर, डुवेल प्रोसीजर बोलते हैं। सेम कंडीशन से इसमें ये प्रोसीजर जो करते हैं इसमें एब्डोमेन को क्लोज ओपन नहीं करते, डायरेक्ट नीचे से क्लोज करते हैं, इसमें क्या हम रेक्टम के थ्रू इस सर्जरी को करने की कोशिश, जिसको बोलते हैं सोवी प्रोसीजर। इसमें डायरेक्ट इंटेस्टाइन को, कोलन को, पार्ट्स को रिमूव करके डायरेक्ट विजाइनल से कनेक्ट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में जैसे कि पहले नथिंग बाइट माउथ एनपीओ, पेरिनेटल मुंह से कुछ नहीं देना, असिस्ट द बाउल राउंड, बाउल इरिटेशन, हाई कैलोरी डाइट देती हैं, लो फाइबर डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, मेंटेन द फ्लूड वॉल्यूम करते हैं जिसे हाइड्रेशन कंडीशन डेवलप ना हो। सबसे पहले हैं असेसमेंट कंप्लीट हिस्ट्री न्यू बॉर्न आफ्टर डायग्नोसिस, नर्स बी हेल्प पेरेंट्स, नर्स थॉट अबाउट गिविंग आइसोटोनिक एनिमा, सुप्रेशन द स्टूल सॉफ्टनेस, लो रेसिड्यूल डाइट मस्ट बी गिवन टू हाइट, मॉनिटर वाइल स्टिल एब्डोमिनल ग्रेथ अवे, कीप द चाइल्ड सेमी फॉलर पोजिशन, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी फॉलर पोजिशन, ओरल फीड्स और नेजोगैस्ट्रिक एक्सप्रेशन डन बी हाई बिफोर सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मॉनिटर द वाइटल साइंस, ऑब्जर्व एब्डोमिनल ब्लीडिंग, क्योंकि जो प्रोसेस करते हैं इसमें ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, प्लेस द कंफर्टेबल पोजीशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल ऑर्डर, चाइल्ड टू एनपीओ, नो एडमिशन आईवी फ्लूइड्स, ऑर्डर मॉनिटर बाउल साउंड, कोलोस्टोमी केयर टू बी डन विथ द इंक्लूड फ्लोइंग, अगर कोलोस्टोमी बनाई हुई है तो कोलोस्टोमी भी केयर साथ में हमें करनी है, जिसमें क्या होता है कि जो फिकल मैटर या जमा हुआ उसको हमें रिमूव करके वहाँ पर क्लीनिंग करना पड़ता है। देन ऑब्जर्व स्टोमा ऑफ कलर रेडिश पिंक कलर, ऑब्जर्व द ब्लीडिंग, प्रिवेंट ड्रेनेज एडिमा, प्रोवाइड वेलेंट डाइट, अप्लाई जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट द स्किन राउंड स्टोमा, फ्रीक्वेंट एम्प्टी द कलेक्शन बैग, ब्रेक द कोलोस्टोमी क्लीन एंड ड्राई, एजुकेटेड पेरेंट्स अबाउट कोलोस्टोमी केयर, वी आर एनकरेजिंग द सपोर्टिंग एंड फैमिली ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल टाइम दे बी नर्सिंग इंटरवेंशन। दिस टॉपिक इज हिंसफ्रंट डिजीज इज कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन।